गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखिए मेरा एक खूबसूरत सा फ्लावरिंग वाइन। इसका नाम दोस्तों सैंडपेपर वाइन है और इसके जो ये फ्लावर है मुझे बहुत पसंद है। आप भी देखिए, बहुत खूबसूरत से है। इसको बड़ी मुश्किल से मैंने हासिल किया है और अभी देखिए ये इसके कुछ फ्लावर शुरू ही हुए हैं और बहुत सारे बर्ड्स देखिए यहाँ पे खिलने वाले हैं। अभी शुरुआत हुई है इसके फ्लावर की, तो और भी बर्ड्स आएंगे। अब देखिए ये सभी देखिए, अभी तो शुरुआत ही हुई है, तो कुछ दिनों में बहुत सारे फ्लावर आएंगे इस पर। वैसे ये वाइन भी काफ़ी लंबी हो चुकी है, देखिए ये मेरे नेट हाउस के पिलर से मैंने पास में लगाई थी तो पूरी ऊपर तक चढ़ गई है। दोस्तों अभी मार्च का सेकंड वीक चल रहा है और मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है वो करीबन 35 से 37 के आसपास पहुँच गया है डेली का, और रात को भी 30 के आसपास ही होता है। तो अभी जो ये मेरे सारे सीजनल प्लांट है आपको दिखाई दे रहे हैं उनको सेव करना बहुत ही मुश्किल है। कई सारे प्लांट धीरे धीरे से मरने लगे हैं, आप देखिए। ये भी देखिए, ये सारे प्लांट जो है वो गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे मर रहे हैं, तो इनको अभी बचाना मुश्किल है बहुत ही। लेकिन कुछ प्लांट जो है, देखिए ये पिटूनिया है, इस तरह के प्लांट को हम थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा केयर करके थोड़े से लंबे वक्त तक रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं मेरे यही सीजनल प्लांट के बारे में बात करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा केयर टिप्स आपको बताऊंगा जिनकी मदद से आप इसको गर्मी के मौसम में भी लंबे समय तक इस पर फ्लावर ले सकते हो। देखिए सभी को तो बचाना पॉसिबल नहीं है, ज़्यादातर हाइब्रिड जो सीजनल वेराइटी होती है वो गर्मी में मर ही जाती है, लेकिन आप कुछ मेरे जो स्टेप मैं फॉलो करता हूँ वो करोगे तो काफ़ी सारे प्लांट जो लंबे वक्त तक आपको फ्लावरिंग देते रहेंगे। तो हम वीडियो में आगे बढ़े उनसे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन होता है उनको भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए ये एलेशियम की कुछ वेराइटी है, मेरे पास 3 वेराइटी थी, वो अभी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं देखिए, लेकिन इनके सीड्स जो है वो तैयार हो चुके हैं देखिए, ये सारे सीड्स इनके, ये देखिए ये सभी इनके सीड्स है और सारे हार्वेस्ट के लिए तैयार है। वैसे तो मैं हाइब्रिड वेराइटी के सीड्स हर साल नए खरीदता हूँ, कभी हार्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जो कुछ दोस्त लोग होते हैं उनको चाहिए होता है तो उनके लिए मैं थोड़ा बहुत हार्वेस्ट करके रखता हूँ, क्योंकि जो हम हर साल अगर ये सीड्स मैं हार्वेस्ट करूँगा और इसको पिछले साल ग्रो करूँगा तो सेम फ्लावर मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे जो चाहिए वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं हर साल नए हाइब्रिड सीड्स खरीदता हूँ। तो बहुत खूबसूरत सा ये प्लांट है, इसके सीड्स कैसे हार्वेस्ट करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। अब ये देखिए दोस्तों, ये है पिटूनिया, ये हाइब्रिड वेराइटी है पिटूनिया की। कुछ मेरे पास यहाँ पे 5-6 अलग अलग वेराइटी के पिटूनिया है। तो पिटूनिया गर्मी में ज़्यादा लंबे वक्त तक रहते नहीं है, ये देखिए हाइब्रिड वेराइटी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। ये देखिए ये सारी मेरी जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आपको ये जो दिखाई दे रही है सभी लंबी लंबी, ये ओपन पोलिनेटेड वाले प्लांट है। इसका मतलब ये है कि जो पिछले साल मेरे प्लांट थे उनमें से जो सीड्स ग्रो हुए उनकी ये सारी वेराइटी है, ग्रो हुए हैं उनमें से प्लांट, तो ये बहुत लंबे वक्त तक रहते हैं। उनका ड्रॉबैक ये है कि उनमें कलर जो है वो ज़्यादातर नॉर्मल होते हैं और फ्लावर थोड़े कम आते हैं, लेकिन ये पूरे समर में फ्लावरिंग देते हैं बहुत लंबे वक्त तक। अब जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये सारे फ्लावर देते रहेंगे। बस आपको इसमें काम एक यही करना है कि देखिए इनके जो मुरझाए हुए फ्लावर है उनको कट करते रहना पड़ता है हर रोज़। और देखिए ये सभी प्लांट में आपको ये तो करना ही है। ये देखिए एक मल्टीपेटल पिटूनिया है मेरा, बहुत ही ज़बरदस्त है, उनको आपको डेड हेडिंग करते रहना है और फर्टिलाइज़र का लाइट डोज आपको हर वीकली देते रहना है।
मैं आपको एंड में फर्टिलाइजर भी बताता हूँ कौन सा डीजल है। फिर ये एक प्लांट देखिए, इसको मालवंश होलीहॉक कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और एट्रैक्टिव फ्लावर देते हैं। छोटे छोटे फ्लावर होते हैं लेकिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं। फिलहाल तो ये प्लांट ख़त्म होने वाला है। देखिए दो प्लांट थे मेरे पास। आप इसके फ्लावर देखिए, काफ़ी एट्रैक्टिव होते हैं। इनको भी सीड से ग्रो करना होते हैं। और देखिए ये सारे सीड्स से तैयार हो चुके हैं। इनको मैं नेक्स्ट साल लगाऊंगा ये सीड्स हार्वेस्ट करके। और ये देखिए निकोटीना एलाटा, जो मैंने आपको बताया था मैंने इस साल फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। इसके दो कलर मेरे पास निकले हैं, एक वाइट और एक ये। देखिए इनके भी सीड्स तैयार हो चुके हैं। ये देखिए, यह है दोस्तों डाइमोर्फोटिका। इसका तो अभी सीजन शुरू ही हुआ है दोस्तों। ये गर्मी में लंबे वक्त तक अभी चलेंगे, लेकिन ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। और ये ओपन पोलिनेटेड पिटूनिया के फ्लावर देखिए। और यह है दोस्तों फेलोक्स के फ्लावर। गर्मी की वजह से अब धीरे धीरे ये प्लांट मर रहे हैं देखिए, लेकिन फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव देते हैं। बहुत सारे कलर होते हैं इसमें। और ये गजानिया देखिए, इनको अभी मैंने दो दिन पहले ये डेड हेडिंग की, पूरे जो पुराने फ्लावर थे वो निकाल दिए दो तीन दिन पहले। तो देखिए कितने सारे नए बर्ड्स आए हैं। ये देखिए गजानिया को गर्मी बहुत पसंद है, तो ये बहुत अच्छे फ्लावरिंग अभी देगा। जितने आप पुराने बर्ड्स निकालते जाओगे उतने इनमें नए जो है वो बर्ड्स आते रहेंगे। देखिए अभी करीबन 15 से 20 बर्ड्स इसमें लगे हैं नए। और ये है पेंसी, इनको तो आप कुछ भी करोगे ये ज़्यादा हीट टॉलरेंस नहीं कर पाएगी। ये अभी कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। देखिए ये तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। आप इसको कुछ भी करोगे ये सर्वाइव नहीं करेगी। और ये है नटस्टेटियम, इसने फ्लावरिंग तो बंद कर दी है लेकिन प्लांट अभी भी बचा हुआ है। देखिए आपको पता होगा इस तरह के फ्लावर होते हैं। मालवंश होली हो। देखिए ये जेरेनियम है, इनके बारे में तो मैंने दो दिन पहले ही वीडियो बना के अपलोड किया है, आपको पता ही होगा। तो आप उनको ज़रूर देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने बताई है। और देखिए ये लोबेलिया है, इसको मैंने दोस्तों पहली बार ट्राई किया है। वक्त पे ये फ्लावर तो नहीं दे पाए लेकिन प्लांट बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले साल मैं इनको जल्दी से तैयार करूँगा देखिए। और दोस्तों ये है वर्बेना, इनके कई अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। तो देखिए मेरे पास 5-6 अलग अलग कलर्स अवेलेबल है। ये मेरा सबसे फेवरेट कलर है वर्बेना। देखिए दोस्तों गर्मी में लंबे वक्त तक चलता रहता है। देखिए ये सारे जो नए बर्ड्स अभी इसमें शुरू हुए हैं, इसको आप रेगुलर फर्टिलाइजर और वाटरिंग करते रहोगे तो लंबे वक्त तक ये चलेगा। और देखिए इस तरह से मैं जो पुराने फ्लावर होते हैं उनको कट करता रहता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है सभी सीजनल प्लांट में, क्योंकि अगर एक बार उसमें सीड्स बनना शुरू हो गया तो ये नए फ्लावर देना बंद कर देंगे। तो आप हमेशा याद रखिए ये। और ये डेलबग डेजी बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इनको मुझे अब तो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वैसे सीजनल है। लेकिन देखिए ये सारे इनके फ्लावर जो देखे यहाँ नीचे कितने सारे गिरे हैं सीड्स, तो ये ऑटोमेटिक हर साल अपने आप निकल आते हैं। तो इनको बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है ये। अब देखिए दोस्तों ये है डायंथस, और डायंथस तो गर्मियों की ही एक वेराइटी मानी जाती है। इसमें देखिए बहुत सारे फ्लावर लंबे वक्त तक खिलेंगे। मेरे पास कई सारी अलग अलग वेराइटी है। एक्चुअली इसमें मैं थोड़ी एक केयर करना भूल गया। देखिए ये प्लांट में कई सारे सीड्स बन गए हैं जो कि अभी नहीं चाहिए थे, तो ये मैंने गलती कर दी। इनको पहले से ही इस तरह से कट कर देने चाहिए थे सारे, तो और भी बहुत सारे फ्लावर आते हैं इसमें। अभी मैं आज ही इन सभी को कट कर दूँगा। देखिए इस तरह से बहुत सारे सीड्स जो है उनमें बन गए हैं, तो इसी वजह से इसने फ्लावरिंग छोड़ दी है। ठीक है, बहुत ही अलग अलग कलर होते हैं, वरना ये गर्मी में बहुत लंबे वक्त तक चलते हैं।
और ये अडेनियम, इसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे। और कई सारे इसके वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं, आप वो देख लीजिएगा। तो बस यही कुछ प्लांट है दोस्तों सीजनल, जो कि इनकी केयर करने की बात करें तो सबसे पहले इनको हर रोज़ वाटरिंग देनी पड़ती है, क्योंकि गर्मी में बहुत जल्दी ही मिट्टी इनकी सूख जाती है, गमलों में है इस वजह से। तो इनको हर रोज़ मैं सुबह शाम दो बार वाटरिंग करता हूँ अगर ज़रूरत पड़ी तो, वरना एक बार तो हमेशा करनी ही पड़ती है। और दूसरी, इनको शेड में रखना अभी बहुत ज़रूरी है। देखिए मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा आम का पेड़ है और इस तरफ देखिए ये शेड नेट है। जो ये शेड नेट है तो सुबह की 10-12 बजे तक इनकी शेड नेट का जो छांव होती है वो इनके ऊपर पड़ती रहती है। देखिए अभी 11 बजे है तो अभी तक उस पर इसकी जो छांव है वो पड़ रही है, और अभी दोपहर के 1-1 घंटे तक उसको यहाँ से सीधी डायरेक्ट सनलाइट मिलेगी। उनके बाद ये देखिए ये आम के और ये दो पेड़ है उनकी छांव इनके ऊपर पड़ना शुरू हो जाएगी, तो इस वजह से इनको अच्छी तरह से जो छांव मिलती रहती है, इसीलिए अभी तक ये बचे हैं, वरना ये कब के ख़त्म हो चुके होते। तो इसी तरह मैं रखता हूँ, तो इसी तरह से मैं केयर करता हूँ फिलहाल। तो देखिए अब बात करें इसके फर्टिलाइज़र की, तो देखिए दोस्तों ये महाधन का NPK 052-34 है। इसको देखिए 2 लीटर का जो मेरे पास स्प्रे है, अभी देखिए प्लांट में गर्मी बहुत है इस वजह से बहुत लाइट डोज देना पड़ता है। 2 लीटर के जो स्प्रे है उनमें मैं आधी चम्मच जितना इसका NPK 052-34 लेता हूँ, और उनको उसमें मिक्स करके वीक में एक बार स्प्रे करता हूँ। 7 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर आप इनका एक बार स्प्रे कीजिए, क्योंकि अभी गर्मी की वजह से अगर आपने ज़्यादा फर्टिलाइज़र दे दिया तो ये प्लांट जो बर्न हो जाएंगे। तो काफ़ी सावधानी से आप फर्टिलाइज़र दीजिए, और कोई भी फर्टिलाइज़र अभी देने की इनको ज़रूरत नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताइए, और कोई आपके क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, मैं उनको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।